हरे कृष्ण, मेरा नाम ब्रह्म समिता दास है। मैं कृष्ण भावनामृत संघ का सदस्य है। आज हम आपको कुछ जानकारी देंगे कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं, जात स ही ध्रुव अमृतम ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्मात् परियार्थम अर्थम नाचु सोतम अरहसी। तो जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म भी सुनिश्चित है। तो श्रीमद् भागवत में ये बताया गया, जन्म और मृत्यु है क्या। जन्म यानी एक नूतन शरीर को धारण करने को जन्म कहते हैं, और जब भी किसी की समय सीमा के पर्यंत शरीर धारण करके शरीर छोड़ने को मृत्यु कहते हैं। और उसका अधिक विश्लेषण करते हुए भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं, वंशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्यन्ति नर अपराणि तथा शरीराण विहाय जीर्णानि अन्यानि शयन्ति नवानि देहे। तो इस प्रकार बोलते, जिस प्रकार आदमी पुराना जब भी उनका वस्त्र पहनता है और फट जाता है, तो वो पुराना वस्त्र को छोड़कर वो नूतन वस्त्र को धारण करता है। इस प्रकार आत्मा, ये शरीर जब भी हमारा जीर्णोशीर्ण हो जाता है और आत्मा के रहने के लिए ठीक योग्य जगह नहीं होता है, तो वो एक शरीर छोड़ के फिर दूसरा शरीर को धारण करता है। तो हमारा जो दूसरा शरीर निर्भर करता है, वो हमारा इस जीवन में की गई कर्मों के ऊपर है। इसका अधिक विश्लेषण श्रीमद् भागवतम में पाया जाता है। श्रीमद् भागवतम बताया गया है, कर्मेण दैव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्तये स्त्रिया प्रविष्टम उदरम पुरुष रेत कर्ण आश्रय। तो हम लोग समझो, जैसी जैसी कर्म करते हैं तो उसका लेखा जोखा भगवान का प्रतिनिधि यमराज द्वारा रखा जाता है, और उसके अनुरूप ही हमारा अगला शरीर निर्धारित होता है। तो उसका आगे व्याख्या करते हुए श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि उसका सब जो लेखा जोखा है हमारा वेद में पाया जाता है। वेद में क्या करना है क्या नहीं करना है उसका समझो वर्णन है, तो उसका अनुसार ही यमराज निर्धारित करते हैं तो किसको किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमको जानकारी होता है कि जन्म के बाद मृत्यु है और मृत्यु के बाद फिर जन्म है, और इसका निर्धारित होता है हमारा कर्मफल के ऊपर। हरे कृष्ण।